ओके गाइस, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की एक टाइप, दैट इज फेको इमल्सिफिकेशन। बात हम क्या कर रहे हैं, हम कैटरेक्ट की सर्जरी की बात कर रहे हैं। आपको पता है कैटरेक्ट, मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन होती है हमारी सेटिंग में। और उसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि जो इसके क्वेश्चन है ना, एस सी क्यू फॉर्म में बहुत ज़्यादा आता है, वेरी कॉमनली, ठीक है, आया करते हैं। तो क्योंकि एस सी क्यू में आ रहा है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, इसका मतलब ये है कि कैप्सूल जो है वो लेफ्ट है वहीं पर, मतलब कैप्सूल को हमने नहीं निकाला जो पोस्टीरियर कैप्सूल है, बल्कि हमने बीच में से लेंस सब्सटेंस या कैटरेक्ट को रिमूव कर लिया। कैटरेक्ट तो आपको पता है ना, अंदर से कॉर्टेक्स जो है मोस्ट कॉमनली, जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमनली कैटरेक्ट की रीजन होती है कि कॉर्टेक्स ओपेसिफाई कर जाता है। तो हमने अगर कैप्सूल वहीं पर रखना है, पोस्टीरियर कैप्सूल, ठीक है, और उसके बाद हमने अंदर से कैटरेक्ट को हाली एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो दिस इज एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके चार डिफरेंट तरीके होते हैं और चारों के अलग अलग मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस उसके कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। मैं आपको एंड में डायग्राम से भी बताऊंगी तो आपको सारा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप है, जो तरीका है जिससे हम ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं, दिस इज नॉन एज फेको इमल्सिफिकेशन, ठीक है जी। अब फेको इमल्सिफिकेशन का एक्चुअली मतलब ये है कि आपने जो अंदर कैटरेक्ट है ना, जो आपका कैटरेक्ट से मुराद है मेरी कि जो आपके ओपेसिफाइड फाइबर्स पड़े हुए हैं जो लेंस के अंदर, उनको आपने अल्ट्रासाउंड वेव्स देनी है ताकि वो सारे के सारे ब्रेक आउट हो जाएं। जो कैटरेक्ट पूरा बना हुआ है, एक पूरी ओपेसिफाइड मास बनी हुई है, वो ब्रेक हो जाएगी। और जब वो ब्रेक हो जाएगी, फिर आप उसको एक एस्पिरेटर डाल के, एस्पिरेटर आपको पता है ना, चीज़ों को अपने अंदर सक कर लेते हैं, एक सकर की तरह होता है, तो आप उसे सक कर लेंगे सारे कैटरेक्ट को। तो फेको इमल्सिफिकेशन का मतलब बेसिकली होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स दे के एक चीज़ का इमल्सिफाई कर देना या तोड़ देना और फिर उसे निकाल लेना। तो ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसके स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए भी हैं और मैं बहुत ही आसान है, मैं आपको बता भी देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम से दिखा दूंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये आपकी आईबॉल नजर आ रही है आपको, ठीक है। सबसे पहले ऑफकोर्स ये बात है, हमें एक इंसिजन देनी है। इंसिजन को हम फेको इंसिजन कहेंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है हम उसे फेको इमल्सिफिकेशन के लिए दे रहे हैं। और ज़्यादातर जो है वो कॉर्नियस स्क्लेरल जंक्शन पे इस जगह भी दे सकते हैं या फिर खाली कॉर्निया में भी किसी जगह पर आप दे सकते हैं। सो पहली चीज़ होती है हमारी फेको इंसिजन, ये सेल्फ हीलिंग होती है, सूचर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। डिपेंड करता है आप नेजल साइड पे दें, टेम्पोरल साइड पे दें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दूसरी काम क्या होता है, अब हम जब जाहिर सी बात है इंसिजन देंगे कॉर्निया पे, कॉर्निया के फौरन पीछे अगर मैं यहाँ पर आईबॉल ड्रॉ करूँ आपकी, तो ऐसे करके होती है यूँ, ठीक है, आगे से ऐसे ही होती है। ये आपका लेंस है, ये आपका कॉर्निया है सपोज, जो आगे है कॉर्निया के फौरन पीछे यहाँ पर सारा पड़ा हुआ इंटीरियर, इसको हम इंटीरियर चेंबर कहते हैं, जिसमें आपका एक्वस ह्यूमर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से कॉर्निया को ऐसे इंसाइज करेंगे, काटेंगे, तो डर है कि फौरी तौर पर ये जो हमारा एक्वस ह्यूमर है ये बाहर ना आने लग जाए। इसके लिए हमने इंसिजन देने के फौरन बाद जो स्टेप करना होता है वो होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटीरियर चेंबर। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, विस्को इलास्टिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। विस्को इलास्टिक सब्सटेंस का ऐसा मतलब है कि जो कि आपके इंटीरियर चेंबर में थिकनेस डाल देगा और उसको बहुत थिक जेली लाइक फ्लूइड बना देगा, ताकि वो बाहर इंसिजन से ना आ सके, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉर्निया था, कॉर्निया में हमने छोटी सी स्लिट लाइक इंसिजन दी और साथ ही हमने इधर इंसर्ट कर दिया एक विस्को इलास्टिक सब्सटेंस, जो कि बेसिकली हीलॉन या हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेलुलोज होता है, टू मेंटेन दिस चैम्बर और ये बाहर ना आए। हमने पहला काम कर दिया। अब दूसरा हमने क्या करना है, अभी तो हमने सिर्फ एक हल्का सा इंसिजन दिया था जिसे हमने कॉर्निया तक पहुंचे थे। अब हम इसी जगह पर, यही जो हमने इंसिजन दिया, यहाँ से एक सीधा राइट एंगल इंसिजन देंगे, स्टैब इंसिजन कहते हैं उसको। स्टैब हमेशा ना ऐसे जो चीज़ सीधी जाके लगे ना, मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी या ऊपर से नहीं, बल्कि यूँ सीधी राइट एंगल पर किसी चीज़ को लगे, उसे हम स्टैब इंसिजन कहते हैं। अब हमने पहुँचना है इस कैप्सूल तक, कैप्सूल सॉरी लेंस के इंटीरियर कैप्सूल तक बेसिकली हमने पहुँचना है। तो हम इसी इंसिजन में से जो हमने ऑलरेडी दिया था, ऐसे एक स्ट्रेट स्टैब इंसिजन देते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रेट स्टैब इंसिजन क्या करते हैं कि आपके इंटीरियर कैप्सूल तक आपको पहुँचा देते हैं और कैप्सूल की रप्चर करवा देते हैं, इंटीरियर कैप्सूल की, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने एक जगह से कैप्सूल हारी रप्चर करके तो कहानी नहीं हमारी होती ना, हमने करनी है पूरे इंटीरियर कैप्सूल को, आगे से हम हटाएंगे तो हम अंदर पड़े हुए कैटरेक्ट तक पहुंचेंगे। जो कैटरेक्ट है आपका वो इस लेंस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेंस के अंदर कॉर्टेक्स के फाइबर्स है ना, बेसिकली कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस, जिसमें जो ओपेसिफाई किए हुए होंगे, कैप्सूल ने तो कुछ भी नहीं किया। तो अब हम इंटीरियर कैप्सूल तक तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें कैप्सूल को रिमूव करना है या फिर उसमें पूरी इंसिजन देनी है ताकि हम अंदर से कैटरेक्ट को आसानी से रिमूव कर सकें। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम आगे से इंटीरियर कैप्सूल को किसी हद तक हटाते हैं, इसे हम कहते हैं इंटीरियर कैप्सुलोटमी, हमारा फोर्थ स्टेप, ठीक है। ये कैप्सुलोरेक्सिस भी इसी को कहते हैं। तो पहला स्टेप था, हमने कॉर्निया में इंसिजन दी, फेको इंसिजन। दूसरा स्टेप, हमने विस्को इलास्टिक सब्सटेंस इंसर्ट किया, मेंटेन इंटीरियर चैम्बर।
तीसरे स्टेप में हमने एक स्ट्रेट इंसिजन दी स्टैब इंसिजन अप टिल द इंटीरियर कैप्सूल, और चौथे में हमने कैप्सूल को आगे से रिमूव किया विच इज नॉन एज इंटीरियर कैप्सूल ऑटोमी और कैप्सूलर एक्सिस। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद आगे हमने क्या करना है कि हमने करना है कि जो कैप्सूल है ना, अब हमने सारा का सारा कॉर्टेक्स अंदर से रिमूव करना है। जो कैप्सूल है इंटीरियर तो हमने कर लिया किसी तरह, लेकिन पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो भी तो साथ चिपका हुआ है विद द कॉर्टेक्स, तो हमने इसको रिमूव करना है। हमने कोशिश ऐसे करनी है कि हम कुछ ऐसा करें कि पोस्टीरियर जो कैप्सूल है उसको कॉर्टेक्स से अलहदा करें। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ। अब ये मैंने बनाया एक लेंस, यही वाला हमारा लेंस मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये लेंस का इंटीरियर कैप्सूल है और ये पोस्टीरियर कैप्सूल है। हम इंटीरियर कैप्सूल से इधर आए, हमने इसको तोड़ दिया, उसके बाद मैंने इंटीरियर कैप्सूल को रिमूव कर दिया, इंटीरियर कैप्सूलॉटमी कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ है हमारे पास कि ये अंदर सारा फिल्ड अप है कॉर्टेक्स से, और दरमियान में ज़ाहिर न्यूक्लियस भी होगा। अब जब कॉर्टेक्स से सारा फिल्ड अप है तो कॉर्टेक्स इधर चिपका हुआ है, आगे से तो हमने सपोज करते हैं हमने रिमूव कर लिया, पीछे से कॉर्टेक्स सारा चिपका हुआ है विद द कैप्सूल। हमने इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है कि हमने करनी है एक प्रोब लेके, जो स्पेसिफिक फॉर इट होता है, हम इंसर्ट करेंगे वाटर। वाटर हम इस तरह इंसर्ट करेंगे कि वो यहाँ से आए और इस जगह पर आके कलेक्ट होना शुरू हो जाए। ठीक है, जब वाटर आके इस सारी जगह पर यूं जिस तरह मैं एरो बना रही हूँ, इस तरह आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो आपका कैप्सूल कॉर्टेक्स से सेपरेट होने लगेगा। इसको हम कहते हैं प्रोसेस को हाइड्रोडाइसेक्शन, के हाइड्रो यानी वाटर हमने इंजेक्ट किया इधर कोने से, उससे क्या हुआ कि पानी आ गया सारी इस जगह पे ऑक्यूपाई कर गया। ऑक्यूपेंसी की वजह से पोस्टीरियर कैप्सूल अपने कॉर्टिकल फाइबर्स से अलहदा हो गया। ये हमारा अगला स्टेप है। ठीक हो गया, ये तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो न्यूक्लियस है हमारे पास इधर, आपको पता है सेंटर में एक इधर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस यहाँ पर, ठीक है, और न्यूक्लियस का एक अपना कैप्सूल है। अब वो भी हमें तंग करता है, कैप्सूल हमेशा एक कवरिंग होती है जो हमें तंग कर रही होती है। तो अब हमने अगला काम ये करना है कि हमने जो कैप्सूल का जो न्यूक्लियस का कैप्सूल है उसे हम कहते हैं एपी न्यूक्लियस। ठीक है जी, एपी न्यूक्लियस। तो एपी न्यूक्लियस को अंदर वाले न्यूक्लियस से सेपरेट करना है, उसके लिए हम करेंगे हाइड्रो डीलिनिएशन, यानी यही काम पानी वाला हम यहाँ पर देंगे। जब हम यहाँ देंगे तो ये कैप्सूल भी उसी तरह से अपने न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाएगा जिस तरह ये वाला कैप्सूल कॉर्टेक्स से सेपरेट हुआ था। ठीक है जी, इस जगह पर। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज हाइड्रो डीलिनिएशन। तो हमने ये भी सेपरेट कर लिया, हमने इसको भी सेपरेट कर लिया, सही होगी बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो दो ये स्टेप्स हैं न्यूक्लियर रोटेशन का, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको अलग से याद रखें, बस इतनी बात आपने याद रखनी कि न्यूक्लियस को ना हमने तोड़ना है ताकि वो भी बीच में मिक्सअप हो जाए और हम उसे आसानी से एस्पिरेट आउट कर लें। उसके लिए हम न्यूक्लियस को एक रोटेशन यानी उसको हम शेप को चेंज करते हैं एक ग्रूव बना के। दिस प्रोसेस नॉन एज न्यूक्लियर रोटेशन, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, मतलब एज अ सर्जिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके मेजर स्टेप्स में अगर आप इसको अलग से मेंशन नहीं भी करते तो नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है कि न्यूक्लियस को भी हमने ब्रेक डाउन करनी है। यहाँ तक होपफुली आपको स्टेप समझ आ गए हैं, कोई मसला हो तो ये ना आसमी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हमने अगला काम ये कर लिया, हमने सेपरेशन सारी कर ली। अब अगला काम ये हमने करना है कि अब हम इस सारे के सारे जो हमारा कैटरेक्ट है, यानी जाहिर सी बात है ये सारे फाइबर्स ऑपेसिफाइड फाइबर्स हैं जो लेंस के अंदर पड़े हुए हैं, अब इन सबको हमने तोड़ना है। जो हमारा मेन काम था फेको इमल्सिफिकेशन, हमने कहा था हम अल्ट्रासाउंड वेव्स देंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है फेको इमल्सिफायर, यही वाली जो हमने इंसिजन दी हुई होती है ना, यहाँ से हम उस फेको इमल्सिफायर को इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरह का रॉड सा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर लेंस तक लाते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स देते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जब इस सारे पे पड़ती हैं तो ये ऐसे करके ब्रेक डाउन हो जाती है सबकी। ठीक है जी, ये जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो हमारा इसको निकालना आसान हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्कल्पटिंग, ये दो पार्ट्स में होता है, पहले हमने करना होता है स्कल्पिंग ऑफ द न्यूक्लियस और फिर क्रैकिंग ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं अलग डिटेल में आपको बताऊं, बेसिकली सारा का सारा प्रोसीजर इसलिए होता है कि हम अंदर से सारे कॉर्टेक्स को भी और न्यूक्लियस को भी ब्रेक डाउन करें। ठीक है जी, अब हमने जब ये सारा काम कर लिया, ब्रेक डाउन होगी, क्रैकिंग ऑफ न्यूक्लियस होगी, उसके बाद अब हमने सारे कैटरेक्ट को बीच में से निकालना है। निकालने के लिए क्या होता है हमारा अगला स्टेप, फेको इमल्सिफिकेशन के बाद एस्पिरेशन, एस्पिरेटर डालेंगे और जितना भी कॉर्टेक्स वगैरह यह सब बच गया होगा उस सबको एस्पिरेट आउट कर लेंगे या सक आउट कर लेंगे। अब हमारे पास बच क्या गया, जब हमने सबको सक आउट कर लिया तो ये हो गया ऐसे खाली। ठीक है जी, ये खाली हो गया। अब खाली होने के बाद हमने सबसे पहले जो हमारे पास ये कैप्सूलर बैग रह गया, इंटीरियर कैप्सूल को ज़रा हमने पूरा तो रिमूव नहीं किया था, सपोज करते हैं हमारे पास ये बैग सा इतना सा रह गया, इसके बाद हमने इसमें करना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसलिए करनी है विस्को इलास्टिक एक सब्सटेंस डाल के, ताकि जब हम अपना लेंस डालेंगे इसके अंदर, जो हमने दूसरा ज़ाहिर है एक और लेंस हम इस कैप्सूलर बैग के अंदर डालेंगे ना, तो उसको वो आराम से इसके अंदर ऑक्यूपाई हो जाए। तो इसको हमने इन्फ्लेट करना है कैप्सूलर बैग को, अगला स्टेप हमारा ये एस्पिरेशन के बाद।
और उसके बाद इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इंसर्शन, फोल्डेबल लेंस होता है, इसी तरह की एक ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ऐसे फोल्ड हुआ हुआ लेंस पड़ा हुआ होता है, वो लेंस हम इधर लाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट और इधर आके इंसर्ट कर देते हैं, वो लेंस इधर सारी जगह में ऑक्यूपाई कर जाता है, तो हमारे पास नया एक पूरा लेंस बन जाता है जिसमें हमने कैप्सूल पुराना रखा है लेकिन बाकी सब नया होता है। और ये जो हमने इंसिजन दिया हुआ होता है इसमें सुचरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये सेल्फ हीलिंग होता है, कुछ ही टाइम में ये भी हील कर जाता है। और जो हमारा कॉर्निया का इंसिजन होता है नॉर्मली वो भी सेल्फ हीलिंग होता है, इसीलिए इसको सर्जरी को हम सुचरलेस सर्जरी कहते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद हम पेशेंट को बैंडेज कर देते हैं और फिर वो कुछ अर्से में खुल जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फेकोएमल्सिफिकेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ। ओके, सबसे पहले ये वाली डायग्राम है, इसमें आप देखें कि हम अंदर पहुंचे हुए हैं। ये हमने पहली दी थी जो कॉर्नियस क्लेरल इंसिजन है, ठीक है, ये छोटी सी जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद हमने प्रोब अंदर डाला है और अब हम इंटीरियर कैप्सूल की एक छोटी सी लेयर को रिमूव कर रहे हैं। दिस इज़ द कैप्सुलॉटमी या कैप्सुलर एक्सिस। और उसके बाद आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये सी हमने इसी जो हमारी कॉर्नियस क्लेरल इंसिजन थी यहाँ से हमने डाला है। दिस इज़ द फेको प्रोब, ठीक है, फेको प्रोब या फेको एमल्सीफायर। ये जब सारी की सारी वेव्स देगा अलॉन्ग विद हमने एक चॉपर डाला हुआ है, ये दोनों मिलके इस सारे को, फेको प्रोब और चॉपर मिलके इस सारे को हमने चॉप कर दिया या तोड़ दिया सारे कैटरेक्ट को, और उसके बाद हमने एस्पिरेटर से सारा कैटरेक्ट एक्सपिरेट कर लिया। सो दिस इज ऑल, इफ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।